हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो मैं शुरुआत करते हैं अगले दिन से। तो भाई, जैसे कि आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि ये पिक्चर क्वालिटी हमारे एंड्रॉइड की नहीं हो सकती, ये पिक्चर क्वालिटी अक्सर हमारी आईफोन्स की होती है। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो माइकल भाई ने हमारे लिए परचेज कर ली है, अब क्योंकि दिन और रात हम माइकल भाई के साथ गुजारते हैं, तो उस हिसाब से ज्यादातर हमारी क्लिप अब इस आईफोन में से आएंगी, माइकल भाई की मोबाइल की तरह से। और ये गागा भाई परेशान बैठा हुआ है, पता नहीं कोई इसको भगा के ले गया है, कोई इसका जहाज का क्या कहते हैं, शक्कर का जहाज डूब गया है समंदर में। तो भाई शक्कर का जहाज होता है, शक्कर का जहाज हम तुम्हारे शक्कर का कारोबार है ना। हाँ, तो भाई यू नो वेरी वेल क्या आपने क्या कहा, वर्तल वर्तल मकसद क्या है, जिन्हें जो वर्तल जिनन जा वर्तल है भाई, एंड एक्चुअली दैट्स व्हाई ताकि खबर ना आए थोड़ा जिनन जा वर्तल है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फॉलोअर ऑफ अली इब्ने अबी तालिब, सो हमें कोई जिनन परेशान नहीं करते। सो लेट्स सी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर भाई, हमारे सिटी में ये शवारमा मिलता है, शवारमा तो नहीं कहते, चिकन रोल कहते हैं। तो ये हमारा अल्लाह वाला चौक है जहाँ भी शवारमे की दुकान है, हक मामा लिखा पड़ा है बर्गर, यहाँ पे इनका शवारमा भी बेस्ट है, चिकन रोल। तो हम ये इनका मंगवा रहे हैं, घर जाके खाएंगे, मम्मा के लिए एक ले रहे हैं, एक अपने लिए ले रहे हैं। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ये भी बनती जा रही है, और यहाँ पे ये आइसक्रीम वगैरह भी चलती है। लोग हम लोग दूसरे दिन आ गए थे घूमने फिरने, एंजॉय करने, मतलब क्या कहते हैं, हमें नौशहरों में है क्या एंजॉय करने का। तो दोस्तों ने बस एडवाइस की थी कि भाई बस तुम खामा खा ये सिर्फ व्लॉग्स बनाते रहो और एंजॉय करते रहो। तो भाई जमाल भाई आया था यहाँ पे एटीएम पे, पता नहीं किस हिसाब से पैसे निकलवाने थे इसको। तो माइकल भाई, ओ माइकल भाई आज बड़ा ही जल रहा है, हाय हेलो, हाउ आर यू, आई लव यू, क्यूट लग रहा है, लाइट हाँ तो लाइट है ना, अबे ये कैमरा खराब हो गई, हाँ अब सही हो गया। हाँ तो भाई अब खैर से हम लोग जाएंगे होटल पे, देखते हैं, यार होटल पे नहीं जाएंगे तो स्टिंग पियेंगे खाली, चले देखते हैं। जैसे ही हम अपने कैफे चाय कचहरी पे आ गए थे तो भाई ये कंजूस हो गया, मुझसे भी ज्यादा कंजूस हो गया, इसने मेहमानों की रग तोड़ दी आज। माइकल तू बता, तूने कहा मैं इसको आज अल्फाज कहूंगा इसके लिहाज में, तमाम एकदम वक्त बदल दिया, पार्टी बदल दी साला। मुझे बाइक पे बैठकर ये बोल रहा था मैं इसकी अच्छी खासी मतलब कुट मारूंगा और इसको अच्छा खासा बेइज्जता करूंगा, और यहाँ आके इसके साथ बदल गया। माइकल तुम बदल गए हो। लो कसम की स्टिंग ये पिला रहा है, आखिर में ये देगा ही नहीं, ये कंजूस है, कंजूस मक्की चूस जमाल मेमन भाई, इसकी शक्ल याद कर लो, इससे दोस्ती वोस्ती ना करना, ये सिर्फ दूसरों की चाय पिएगा और अपनी अपनी हिसाब से निकल जाएगा। तो भाई जैसे ही पहली तारीख हो गई, जून की पहली तारीख, तो सैलरी डे हो गया बाबा का, तो हम आ गए थे मार्ट पे, वहाँ पे स्कीम चल रही थी जो 8,000 का सामान लेगा टोकन निकलेगा उसका, ये सामान हमारा, और ये हमारा बिल भी हो गया था पूरा कंप्लीट 12,120 रुपये समथिंग लाइक दैट, मैंने इतने का परचेजिंग की थी, और ये ताहिर भाई भी साथ थे, और ये अब लकी ड्रॉ में मैं डाल रहा हूँ, अगर नसीब हुआ तो निकलेगा वरना कुछ नहीं निकलेगा, देखते हैं अब क्या होता है लकी ड्रॉ में स्कीम। भाई मैं नींद में से उठा तो ये देखा कि बाबा ने, ये हमारा एयर कूलर था, तो ये एयर कूलर 2 हफ्ते पहले मैंने इसको ये छाता लगवाया था, फिर इसका ये सिस्टम मोटर ख़राब हो गया था, फिर इसमें जो पाइप का जो प्रेशर आ रहा था ना वो यहाँ पे सही नहीं आ रहा था, तो आहिस्ता आहिस्ता बाबा ने ये भी चेंज करवा दिया, और अब इसका ये भी ढक्कन भी चेंज करवा दिया। अब भाई सुबह को मतलब दोपहर को देखते हैं कि एयर कूलर बड़े मज़े से ठंडी ठंडी हवाएं देगा हमें, और ये हमारे आज बाहर का माहौल, क्योंकि लाइट हमारे ज़्यादातर अवेलेबल होती नहीं, तो मैं ज़्यादातर यहाँ पे अपने डिक्की पे बैठता हूँ, यहाँ पे हमारी सीढ़ियों में, तो भाई यहाँ पर जो हवा आती है ना भाई ना पूछो जी। भाई जैसे ही अगला दिन शुरू हो गया तो भाई मेरे लिए मेरी स्लिप भी आ गई थी, तो भाई स्लिप किस चीज़ की, मैंने आपको वो नहीं बताया था कि भाई मैं लॉ का टेस्ट दे रहा हूँ और लेट टेस्ट जैसे कहते हैं, तो उसकी खैर से मेरी स्लिप भी आ गई थी और मैंने पेड भी कर लिया था चालान फ्रॉम इजी पैसा, और
तो भाई जो टेस्ट सेंटर लगा है वो मेरा FG पब्लिक हाई स्कूल नियर गुल सेंटर हैदराबाद में लगा है। चलो निकलते हैं हैदराबाद। आज तो खैर से दो दिन पड़े हुए हैं, तो भाई इंशाल्लाह जुम्मे को निकलेंगे और पेपर भी कंडक्ट करेंगे और तैयारी भी चल कर रही है। भाई क्या करें, वकालत करनी है, वकील बनना है, एडवोकेट अपने बनी भाई टीटी के साथ एडवोकेट लगाना है, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। और एक और फॉर्म भी, कांस्टेबल पुलिस में मैंने फॉर्म फिल किया था, उसकी भी टेस्ट की तैयारी हो रही है, वो भी 25-26 तारीख को इंशाल्लाह वो भी टेस्ट होगी, तो वो भी मैं आपको क्लियर करके इंशाल्लाह बताऊँगा। अगर नसीब हुआ तो वो भी जॉब मुझे मिल सकती है, तो अदरवाइज़ तो भाई चलते हैं आगे। मैं अगले दिन उठा तो खैर से हमारे नौशहरों का मौसम कुछ ऐसा दिख गया था, क्योंकि भाई हैदराबाद से जाने से पहले मुझे लगता है या तो यहाँ पे उबस होगा या तो यहाँ पे ठंडी हवाएं चलेंगी। अब ये तो मौसम पूरा बारिश का हो गया, ये देख सकते हैं आप पूरा माहौल। इसी ब्लॉग को करता हूँ यहाँ पे एंड, क्योंकि मैंने तो सारी आपको बातें बता दी कि मेरे लॉ का टेस्ट है, लेट की टेस्ट है, लेट की तैयारी कर रहा था, और ये सारा ये व्लॉग भी आपको कंप्लीट दिखा दिया। तो भाई कल से हम पैकिंग करेंगे, कल का व्लॉग भी हम इंशाल्लाह कल से बनाएंगे, तो कल भी हम पैकिंग और व्लॉगिंग के साथ अपनी लेट की टेस्ट की लास्ट डेट की तैयारी भी करेंगे और फिर भाई चलते हैं इंशाल्लाह हैदराबाद, इंशाल्लाह कामयाब होकर ही वापस आएंगे। और इस व्लॉग को करता हूँ यहाँ पे, दुआ में याद रखना, लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, माजरत करता हूँ आपका व्लॉग बहुत कम आते हैं, माजरत। तो भाई दुआ में याद रखना, लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। Thank you.